दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Xiaomi Redmi Y2 के कुछ टेम्पर्ड ग्लास। मैं यहाँ पे दो टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया हूँ Amazon से और दोनों टेम्पर्ड ग्लास को मैं अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें आप लोगों को कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा और टेम्पर्ड ग्लास का क्वालिटी कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है दो टेम्पर्ड ग्लास। और इन दोनों टेम्पर्ड ग्लास को ही मैंने Amazon से ही खरीदा और एक का प्राइस है 179 रुपीज़ और दूसरे का प्राइस है ओनली 99 रुपीज़। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो टेम्पर्ड ग्लास है मेरे पास। यहाँ पे एक है MGRJ की तरफ से जो कि एक क्लियर टेम्पर्ड ग्लास है, ब्लैक वाला कुछ नहीं है। और ये आप लोग देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे H2 लिखा गया है, Xiaomi का Redmi H2। हालांकि H2 और Y2 दोनों सेम डिवाइस है। और दूसरा जो है, दूसरा ये भी है Redmi Y2 के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे Y2 ही लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या कुछ आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में MGRJ को खोल लेते हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एकदम क्लियर टेम्पर्ड ग्लास है और इसके साथ में ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज नहीं है, सिर्फ एक अल्कोहल स्वाब और एक क्लीनिंग क्लोथ दिया गया है और बाकी कुछ इस बॉक्स में नहीं है। और टेम्पर्ड ग्लास कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम क्लियर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ इसको ओपन करने के बाद मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, इसका जो साइज है थोड़ा छोटा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले से थोड़ा छोटा है। हालांकि ये जो छोटा वाला कंसेप्ट है, ये छोटे टेम्पर्ड ग्लास जनरली 2.5D वाले कर्व ग्लास जो जिसका डिस्प्ले आता है उनमें बेहतर फिट बैठता है, क्योंकि उनमें साइड में कर्व होने की वजह से साइड का जो पोर्शन है वो टेम्पर्ड ग्लास का पूरा चिपकता नहीं है, इसलिए छोटा होने से ये प्रॉपरली फिट बैठता है। लेकिन यहाँ पर 2.5D कर्व ग्लास नहीं दिया गया, फिर भी इन लोगों ने जो टेम्पर्ड ग्लास है छोटा बनाया है। और जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले में भी थोड़ा खाली पोर्शन रह जा रहा है टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने के बाद। मैं इसको अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा फिट बैठेगा। और दूसरा जो टेम्पर्ड ग्लास मेरे पास आया है, दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा है जिंक केस की तरफ से और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये मैंने ब्लैक मंगवाया है, फुल बॉडी टेम्पर्ड ग्लास जो होता है। हालांकि यहाँ पे फुल बॉडी का कंसेप्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको फुल बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देख सकते ये टेम्पर्ड ग्लास कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 9H H2H डिस्प्ले दिखा रहा है और इसके ऊपर में 5D लिखा गया है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे स्लाइड 5D लिखा गया है। तो इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, हालांकि इसका प्राइस कम है 99 रुपीज़। इसको भी अप्लाई करने के बाद देखना पड़ेगा कि इसका भी फिट कैसा बैठ रहा है। और इसके साथ बॉक्स के अंदर अल्कोहल स्वैब आए हैं, वाइप्स जैसे देख सकते हैं 1 और 2 आए, तो इनको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस 5D वाले को ही यूज़ कर लेते हैं, इस 5D को यूज़ करके देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा होता है और इसका फिट कैसा आता है। और दोस्तों Redmi Y2 में आपको कोई भी डिस्प्ले के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। Xiaomi की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे एक दो दिन के यूज़ के अंदर में, मैं बहुत ही संभाल के यूज़ कर रहा था, फिर भी एक दो दिन के यूज़ के अंदर में ही यहाँ पे स्क्रैचेस आ गया है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे हल्के स्क्रैचेस जो है विजिबल है। तो जब भी आप इसको खरीदें ज़रूर टेम्पर्ड ग्लास जल्दी से आप अप्लाई कर दें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हो गया है, हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत बबल्स अब भी दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत बबल्स रह गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको हटाने की लेकिन ये हट नहीं रहे। मैं बाद में इसको कोशिश करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। लेकिन इसके फिटिंग की अगर बात करें तो इसका फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर बीच का जो पोर्शन है इसके अंदर भी ग्लू दिया गया है, मतलब एडहेसिव दिया गया है, इसकी वजह से ये बीच का पोर्शन भी चिपका रहेगा और इसकी वजह से आपका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा बन जाता है अपने Redmi Y2 का। नॉर्मली ऐसे ब्लैक या ऐसे वाइट जैसे टेम्पर्ड ग्लास आते हैं 2.5D कर्व वाले, उनमें बीच के पोर्शन में कोई भी ग्लू नहीं रहता है, उसकी वजह से बीच का पोर्शन नहीं चिपकता है और थोड़ा एयर गैप रहने की वजह से डिस्प्ले थोड़ा ख़राब दिखता है। लेकिन इस टेम्पर्ड ग्लास के केस में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन चिपक गया है और इसको चिपकने की वजह से यहाँ पे पूरा जो टेम्पर ग्लास का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि इस टाइप का टेम्पर ग्लास आप नहीं भी यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता है, तो आप नॉर्मल सा ऐसे टेम्पर ग्लास आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसके बदले में हम लोग ये क्लियर टेम्पर ग्लास को लगा के देखते हैं इसका फिटिंग कैसा आता है।
इस क्लियर टेम्पर्ड ग्लास का प्राइस मुझे पड़ा 179 रुपीज़। और हालांकि इसको देखने से ही मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा है और उसका क्वालिटी भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले लोकल मार्केट पे जाए, वहाँ पे चेक करें, अगर आपको बेस्ट फिट वाला टेम्पर्ड ग्लास मिल जाए वहाँ पे आपको प्राइस भी बहुत कम पड़ जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए मुझे ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ उसको हल्के से छोड़ दिया और ये टेम्पर्ड ग्लास अपने आप से अप्लाई हो गया है। और आप देख सकते हैं बबल कहीं पर नहीं है, ये जो दिख रहा है ये बबल नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। और बाकी चारों तरफ अगर देखेंगे तो बबल यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फिटिंग आया है, फिट प्रॉपरली हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो है इसका अलाइनमेंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा खाली जगह साइड में बच गया है, देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास जहाँ पर ख़त्म होता है उसके साइड में भी थोड़ा खाली जगह बच गया है, मतलब थोड़ा डिस्प्ले आपका खाली रह जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें आपको 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसे छोटे टेम्पर्ड ग्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा फुल क्लियर टेम्पर्ड ग्लास आप लगा सकते हैं आसानी से और ये अच्छे से फिट आ जाएगा, यहाँ पे 2.5D वाला प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप पहले मार्केट पर जाए, वहाँ पर चेक करें, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा और इससे बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो ये प्रॉपरली फिट तो आ रहा है लेकिन इसका साइज़ मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, तो अगर आपको फिर भी इसको लेना है तो फिर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मुझे कोई और टेम्पर ग्लास अच्छा लगे मैं उसका भी लिंक छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये थे Xiaomi Redmi Y2 के दो टाइप के टेम्पर ग्लास, मैंने यहाँ पे दोनों टाइप दिखा दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से टाइप के टेम्पर ग्लास आपके फ़ोन के लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस टाइप का क्लियर टेम्पर ग्लास लगाएं जो आपके पूरे फ़ोन के स्क्रीन को कवर करे, ना कि थोड़ा हिस्से को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास नहीं मिलता है तो छोटे टेम्पर ग्लास का कोई सवाल ही नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा जो टेम्पर ग्लास है ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आया है, कोई भी बबल नहीं आया है और यहाँ पे डिस्प्ले देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे पर्सनली ये बेटर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए और अपने लिए एक बेहतर टेम्पर ग्लास खरीदें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड बडी को। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।